Good evening, everyone. Welcome to Pro Talent, and I'm Nitin Parmar, and I'll see you all for this wonderful session, दोस्तों एक महत्वपूर्ण session, और ये session के अंदर हम बात करने वाले अलग अलग current affair के बारे में, ठीक है दोस्तों. ये current affair का 10th और 11th जून का ये session है, and I believe that you will be getting lot of, again, say, wonderful learning from Pro Talent about this. Okay, let's start to talk about this. Important issues है दोस्तों, ठीक है. सबसे पहले बात करें तो ये CLAT 2021 प्रोग्राम के तहत है. आप उसका बिल्कुल भरपूर फायदा उठा रहे होंगे. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमें अगेन से बिल्कुल अच्छा लग रहा है. आज हम ये टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रिलीजियस प्लेसेस ओपन ड्यूरिंग पैंडेमिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोविड 19. आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, और अगर आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो बिलीव मी आपको बड़ा फायदा होगा. अगर आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ ट्रबल, है ना. क्यों प्रॉब्लम होगा दोस्तों? क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण चीज जो आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी. आप ये सब चीज़ अच्छे से जान पाओगे. इज दैट कम्फर्टेबल टू एवरीवन? यस दोस्तों, ठीक है. सो हम बात करने वाले हैं जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया, राइज ऑफ एशियाटिक लायंस. बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों. इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019. हम क्या करेंगे, इन सबके साथ थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे. बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, एक नए टैक्स के बारे में प्रपोजल आया फ्रॉम नीति आयोग, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन, विच इज रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट से मदद करेंगे कि आपका फायदा हो जाएगा. एक एक करके आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है. सबसे पहली चीज हो रही है, ये एक एडिटोरियल था हिंदू पेपर का, विच इज बेसिकली कॉल्ड रॉन्ग प्रायोरिटीज, ठीक है. बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप नाउ इंडिया रिस्क्स हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन. दिस इज व्हाट द हिंदू पेपर सेज, ठीक है. एंड आई बिलीव दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, ठीक है. क्या चीजें खोलनी चाहिए, क्या चीजें नहीं खोलनी चाहिए थी, दिस इज अ क्रूशियल पार्ट दोस्तों, ठीक है. सम थिंग्स आर बेटर कैप्ट फॉर लेटर इन द पेंडेमिक, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली वन ऑफ देम. घर पे आप पूजा कर सकते थे, जरूरी थोड़ी है कि आपको उसी मंदिर में जाना है, ये सुनो. तो ये विचार लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, बट द गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ दिस रिलीजियन पार्ट ओनली, नॉट एक्चुअली डिनाई दिस पार्ट, बट एनीवे मास रिलीजियस गैदरिंग्स डिफिट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ एम्प्लीफाइंग एनी सच काइंड ऑफ पेंडेमिक, ठीक है. दोस्तों इतने सारे लोग एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तो देयरफॉर इट इज फॉर श्योर इट्स अ शॉर्ट शॉर्ट वे ऑफ एम्प्लीफाइंग एनी पेंडेमिक, ठीक है. नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर, ठीक है. भैया ये जो तबलगी जमात के ऊपर हल्ला उठाया था तो अब क्यों खोलने की जरूरत है? ये सर नो, अभी क्यों, अभी बिजनेसेस खोलिए ना, ठीक है. अगर आपको इतना ही खोलना था तो स्कूल कॉलेजेस के बारे में चिंता करते. ये सुनो, व्हाई आर यू ओपनिंग अबाउट दिस रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है. दोस्तों भगवान की पूजा अगर हो रही है तो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो हो ही रहा है ना, एवरीवन कैन सी इट लाइव. सो व्हाई गवर्नमेंट शुड सोबर डाउन ऑन टू देयर ओन रिलीजियस प्लेसेस अर्ली इन दिस अनलॉक फेज. प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए थी ये समझना जरूरी है, ठीक है. देखो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ई पासिस, अगेन से डिस्टेंस मार्किंग, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है. एंड देयर बाई विल बी डूइंग इट थ्रू दिस डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे, ठीक है. इट इज हार्टनिंग दैट सम टेम्पल बोर्ड्स, चर्चिस एंड इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज हैव वाइजली डिसाइडेड टू रिमेन क्लोज्ड. भाई मंदिर ही कुछ बोलना चाहते हैं कि हम नहीं खोलेंगे तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है. भाई टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस है, आज इंडिया टॉप 5 से बढ़कर शायद हम टॉप 4 पे पहुंच गए, ठीक है. तो अब हमें कोई ना कोई तरीके से ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसको रोकना पड़ेगा. ये सुनो, ये जो मास ट्रांसमिशन है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है. सो प्रायोरिटी इज
floating the economy safely, not taking unnecessary, you can say negative. So यहाँ पे हम negative चीजें लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक political will की जरूरत है, ठीक है दोस्तों. ये समझना जरूरी है कि lockdown strategy ने हमें इतना बड़ा impact कर दिया that we are now on this infection curve, but this negative outcome will create a lot of trouble. So हमें करना था economy बढ़ाओ, ठीक है. So India needs to draw up this unlock priority wisely, carefully. अगर हमने सोच समझ के नहीं किया तो problem है. In fact, school खोलने की ज़रूरत नहीं है, entrance exam लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एक एक institution है IIM रोहतक, they are thinking that they are going to take exam on 28th of June, and that is, you can say, आपको सेंटर पे जाना है और एग्जाम देनी है. क्या मतलब प्लानिंग है, किस तरीके की गलत सोच है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. इट मस्ट शो दैट पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स नॉर्म्स ऑन पब्लिक बिहेवियर, ठीक है, सच एज मास्क वियरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब तो चाहिए, ठीक है. बट such kind of situation wherein large number of people are coming, I don't think that's really a good idea. So this is, you can say, getting unlocking wrong. Galat kar rahe hum. Chali, great dosto. Ab hum baat karte important terms and terminology. Theek hai? Taki jab aap exam mein kabhi padho, to aapko kabhi galti nahi ho jaye. That is what we are trying to understand. COVID-19. Ye term kisne coin kiya tha? It was coined by WHO on 11th February 2020. COVID stands for coronavirus disease 2019. CO stands for corona, VI stands for virus, D for disease. 19 refers to year in which it was detected. Okay, ठीक है, चलो, great दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Okay, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. SARS-CoV-2, ठीक है, International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV, announced the name of SARS-CoV-2, ठीक है, as a new virus. दोस्तों, ये वायरस का नाम बताने वाली संस्था ICTV, okay? International Committee on Taxonomy of Viruses. सेम तारीख को दोनों ने अनाउंस किया. दिस इज SARS-CoV-2 और डिजीज का नाम WHO ने बताया, ठीक है. सो दैट इज COVID-19. दिस आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस. दे यूज RNA एज दे आर जीनेटिक मटीरियल इंस्टेड ऑफ DNA. दे एंटर्ड इन टू सेल, ओके, एंड देन दे एक्सपांड. नेम वॉज चोजन बिकॉज वायरस वॉज जीनेटिकली रिलेटेड कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर SARS आउटब्रेक ऑफ 2003. इज दिस ग्रेट, ठीक है, चलिए, वेरी गुड दोस्तों. SARS आउटब्रेक 2003 के मुताबिक था. While it is related, two viruses are different. WHO and ICTV were in communication about the naming of both virus disease. SARS का वायरस अलग है, SARS-CoV-2 is different. ठीक है सर, गार्गी बता रहे सर, आई रीड दिस आर्टिकल, इट सेड दैट कोरोना हैविंग RNA इन इट, इट इज नॉट रियली पॉसिबल टू मेक अ वैक्सीन फॉर इट कॉज दो इट कंटेन्स RNA, दे कीप म्यूटेटिंग रियली फास्ट. बिल्कुल, जनरली ऑल RNA दे कैन म्यूटेट, है ना, ये आपको समझ में आता होगा. दे कैन म्यूटेट ऑन देयर ओन, यस, सो दैट मीन्स दे कैन चेंज, ठीक है. पर अगर हम कोई महत्वपूर्ण चीज आइडेंटिफाई कर सके, मेन कॉज आइडेंटिफाई कर सके, तो शायद हम एक तरीके से उसका वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब ये समझ लेते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक. Okay, so COVID-19 is a pandemic disease which is endemic when it is its presence or usual prevalence is in a particular population and it is constant like chickenpox and malaria. ठीक है, so they are endemic in nature. They become increasingly tolerating. ठीक है, responsibility of protecting against it shift from government to इंडिविजुअल. ठीक है, क्योंकि वो टॉलरेट है, आप उसको टॉलरेट कर सकते हो. आपको ध्यान रखना है गोदरेज का गुड नाइट यूज करना है, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट विल से यू. ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है, इट इज स्प्रेडेड, यू कैन से, विद इन अ पर्टिकुलर रीजन व्हेन डिजीज राइजेस अबोव द एक्सपेक्टेड लेवल इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ ज्योग्राफिक एरिया, इट इज क्लासिफाइड एज एपिडेमिक
as per one mathematical modeling when R naught is greater than 1. दोस्तों ये सम R naught is greater than 1, it implies the cases are increasing and that the disease will eventually become epidemic. Now what is R naught? समझाता हूँ, दो मिनट रुक जाइए. Pandemic. What is pandemic? When epidemic spreads over across the countries, several countries, or basically across the continents. When an epidemic is spreaded across the continents, it becomes pandemic. Okay. On 30th January, WHO put COVID-19 as public health emergency of international concern, and on March 11, it decided to announce COVID as pandemic. So, कौन सी तारीख को उसको pandemic decide किया गया? March 11. Is this comfortable to everyone? ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों. ठीक है, ये सब आप नोट कर रहे हैं कि नहीं, कि फालतू में चैट में समय भी बिता रहे. If you are spending a lot of time on chat, I think this is bad. Okay, you are not right. ठीक है, तुरंत इस चैट को बंद कर दीजिए दोस्तों, it is not acceptable. ठीक है, आपने किसी ने भी यहाँ पर डिस्कशन किया तो मैं अभी तुरंत इस वीडियो को बंद कर दूंगा. ठीक है, सिंपल सा गणित है. ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, इन अ मिनट फॉर एनी पर्पस, इवन सेइंग टू यस और नो टू मी, इफ यू आर टॉकिंग एनीथिंग हियर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, खत्म है. फिर मैं पब्लिक में ये सेशन देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, इट इज वेरी क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं होगा. दोस्तों बोलो क्या करना है. ठीक है, चलो ग्रेट. सो एंडेमिक होता है विद इन अ रीजन, एक रीजन में है, उससे ज्यादा स्प्रेड हुआ नहीं है. सो दैट मीन्स मलेरिया, आप जिस शहर में रहते हो उसमें कुछ एरिया में मलेरिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं. इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट. ठीक है, दैट इज एंडेमिक. समझ में आया? एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. सो दिस COVID-19 इज पेंडेमिक. ठीक है, कुछ साल पहले प्लेग हुआ था. ठीक है, गुजरात में हुआ था या सूरत में हुआ था, दैट वॉज एपिडेमिक. ओके, एंडेमिक इज योर मलेरिया, चिकन पॉक्स. आगे देखते दोस्तों, ये देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, R naught. ठीक है, ओके, वॉट इज R naught? इट इज अ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर. इट इज रिप्रोडक्शन नंबर. दिस इज अ नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन एन एंटायरली ससेप्टिबल पॉपुलेशन. ठीक है, ओके, प्लीज नो नीड टू डिस्कस. ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलना है. ठीक है, कोई भी कोई तरीके का पॉइंट नहीं बोलेगा. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है, चलिए. सो दिस इज आर नॉट इज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन एंटायरली ससेप्टिबल पॉपुलेशन. तो अगर एक आदमी को कोरोना हुआ तो दूसरे कितने लोगों को स्प्रेड होगा. ठीक है, प्राइमरली इट हेल्प्स टू डिटरमाइन. सौरभ पुरी को समझ नहीं आया कि क्या करना है. इफ यू आर नॉट व्हाट आई एम स्पीकिंग, ठीक है, तो भैया गलत बात है. बराबर, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. श्रेयांश कुछ बोलना नहीं है. ठीक है, आप अगर कुछ भी बोलोगे, ठीक है, यू आर गॉन. सिंपल, एक सिंपल सा मैसेज है, कोई पर्पस के लिए कुछ नहीं बोलेगा. शांति से वीडियो देखे. ठीक है, फालतू के डिस्कशन चालू करते हैं आप और फालतू की परेशानियां आप करते हैं. सिंपल सा गणित है. ठीक है, या तो फिर आपको क्लैट करनी नहीं है. ठीक है, आप ऐसे ही फालतू में आ गए है ना. क्लैट करनी है तो यहाँ पर पढ़िए, क्लैट नहीं करनी है मारो गोली. सिंपल. ठीक है, चलो ग्रेट दोस्तों. सो व्हेन वी नो आर नॉट, ठीक है, इट इज अ रिप्रोडक्शन नंबर, वी गेट टू नो वेदर एन एपिडेमिक कैन अकर. ठीक है, एंड एट वॉट रेट इट अकर्स.
ठीक है, एट व्हाट इट 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 अकर्स, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एपिडेमिक, ठीक है, इस साइज ऑफ एपिडेमिक क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल समझना जरूरी है. एफर्ट नीडेड टू कंट्रोल दिस इन्फेक्शन, इफ आर नॉट इज टू, वन इंडिविजुअल विल इन्फेक्ट टू अदर्स, ठीक है. बाय द एंड ऑफ मे इंडिया का आर नॉट वॉज 1.22, ठीक है, इंडिया का आर नॉट बन गया था 1.22, मतलब एक आदमी 1.22 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. तो अगर ये नंबर बढ़ गया तो डेफिनेटली देर इज अ बिग चैलेंज, ठीक है. चलिए ग्रेट, अगला पॉइंट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कोमोर्बिडिटी, ठीक है, ओके. यश राय, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आई हैव सिंपली सेड, ठीक है, मैंने बोला है कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग देन ओनली द सेशन इज देयर, सिंपल, बराबर है. चलिए ग्रेट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग पीपल हु मे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पीपल, ठीक है, जो लोग इन्फेक्शन के साथ आए वो लोग किस किस को मिले होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अगेन से एक बंदे के साथ कौन कौन अफेक्ट हुआ. फॉर COVID-19 मॉनिटरिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स सेल्फ क्वारंटाइन एज एन एफर्ट टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये तो पता होगा, ये नहीं पता होगा व्हाट इज कोमोर्बिडिटी. सेवरल हेल्थ कंडीशंस ध्यान रखना, विच इंक्लूड अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, कैंसर, ओबेसिटी, लंग डिजीज, दे पुट पेशेंट्स एट अ ग्रेटर रिस्क, ठीक है, फॉर देयर इन्फेक्शन, ठीक है, इनको ग्रेटर रिस्क में रखते हैं. Now the concern is special attention is to prevent the disease and prevent mortality in this group. This is called comorbidities. For example, agar aapko, theek hai, for example, aapko diabetes hai, hypertension hai, cancer hai, these are comorbidities, which means they work with corona and then they create bigger impact. अगर किसी को डायबिटीज है और कोरोना हुआ तो उसका इंपैक्ट बहुत बुरा है. दैट इज द मीनिंग हियर कोमोर्बिडिटी. इज दिस वेरी क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. ट्रांसमिशन क्या होता है? मेथड बाय विच डिजीज स्प्रेड्स इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, विच इज वेरी इजी. सो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, इसलिए तो मास्क पहनते हैं, ठीक है. जब हम बोलते हैं, जब हम हंसते हैं, कफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक प्लेस में हम वो दो गज का डिस्टेंस और मास्क पहन के चलते हैं. दे आर दी परफेक्ट टूल टू सेव अवर सेल्व्स, ठीक है. वॉशिंग हैंड्स विथ सोप वाटर इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू किल दी वायरस. आपके हाथ में वायरस है, यू डोंट नो दैट, क्योंकि आप बोल रहे थे, मुंह पे हाथ गया, है ना, आपके हाथ में वायरस लग गया, किसी को टच कर दिया तो वायरस स्प्रेड हो गया, यस नो, क्योंकि वो है. कम्युनिटी ट्रांसमिशन, when you can no longer tell how someone is contracted the disease and who was the source of the infection, theek hai, then it is called community transmission. So if we as a country we are at the stage of community transmission, what is the meaning? The meaning is ki agar kisi ek person Mr. A ko corona hua, we can't actually find out what was the origin, kahan pe hua, कैसे हुआ, वो ट्रेसिंग नहीं हो पाई. अगर वो ट्रेसिंग नहीं हो पाई, विच इज कॉल्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन. आई थिंक टुडे वी आर एट दिस स्टेज. ICMR बोलता वी आर नॉट एट दिस स्टेज, ठीक है. पर दोस्तों जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे और अब पता ही नहीं चल रहा है कि उनका ओरिजिन कहां पे है, बड़ी परेशानी. केस फेटलिटी रेट, दैट इज नंबर ऑफ डेथ अकरिंग अमोंग कन्फर्म्ड केसेस ऑफ COVID-19, ठीक है. व्हेन पीपल फेटलिटी रेट, इट इज referring to case fatality rate. What is the meaning of case fatality rate? It means jinko actually mein corona hua, jiska record sarkar ke paas hai, unme se kitne logo ki death hui. This is how the idea is, theek hai. Is this comfortable? Great, very good, theek hai. No question. कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछ रहे हो तो बराबर है. फालतू के सवाल पूछ रहे हो कि सर इसकी PDF कहाँ से मिलेगी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, फालतू की PDF लिखने पे ध्यान है, गलत कर रहे हो, ठीक है. आर्यन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, फ्लैटनिंग द कर्व, अगर आपको कोई मुद्दा समझ नहीं आया आप उसको लिख सकते हैं, मैं आपको बैन नहीं करूँगा, ठीक है. पर अगर आप, ठीक है, बराबर, अगर आप ये सही तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है.
ठीक है सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल बॉडी दैट डिसाइड्स अबाउट दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन? देयर इज नो बॉडी फॉर दैट, इट इज जनरल टर्म्स विच आर हैपनिंग. ठीक है, आईसीएमआर शायद बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोलना चाहे तो गवर्नमेंट बोल सकती है. अभी तक कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ये बॉडी बोलेगी. इट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू कोविड केसेस डे बाई डे, फ्लैटनिंग द कर्व. मतलब पहले ऐसे बढ़ रहा था पर अब फ्लैट हो गया. ठीक है, या धीरे धीरे नीचे जा रहा है. विच मीन्स अगर कल करीबन इंडिया में 100 केसेस थे तो आज 100 है या 99 है, तो उसको बोलेंगे फ्लैटनिंग द कर्व. 100 के ऊपर अगर 101 हो गया तो वो फ्लैटनिंग कर्व नहीं है. द आइडिया ऑफ फ्लैटनिंग कर्व इज टू एंश्योर दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओवरवेल्म बाय लार्ज नंबर ऑफ केसेस. ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? बराबर है, वेरी गुड. ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? सर, इज WHO सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम्स टू डिजीज? ठीक है, WHO अगर पैंडेमिक डिजीज है तो बिल्कुल बराबर है. ठीक है, और WHO की गाइडलाइन है कोई डिजीज को नाम देने के लिए. ओके, मानो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर देश ने कोई डिजीज हुआ, उसका उसने नाम दे दिया. अब वो डिजीज सिर्फ वहीं पे था तो कोई पंगा ही नहीं है. ठीक है, बट इट इज स्प्रेडिंग, देन WHO में कम इन टू पिक्चर. ठीक है, ओके सर, हु इज द हेड ऑफ ICMR? आदित्य, दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट, प्लीज टेल मी दैट. ओके, सुमन रानी, सर प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, इज इट? ठीक है, ओके ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. साइटोकाइन स्टॉर्म, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत काम का है. एन इम्यून रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय बॉडी टू फाइट एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म. व्हेन इट टर्न्स सीवियर, जब इन्फेक्शन सीवियर हो गया तो साइटोकाइन स्टॉर्म जो फाइट कर रहा है वो. द लेवल ऑफ साइटोकाइंस फार एक्सीड द लेवल्स नीडेड रिजल्टिंग इन हेल्दी टिश्यूज बींग अटैक्ड. साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ, सामने फाइट, वो फाइट इतनी ज्यादा होने लगी कि जितनी जरूरत है, जितने वायरस थे उतना ही मारने के लिए नहीं, उससे ज्यादा आ गया, तो वो क्या करता है, खुद अपने आप को मारता है, खुद अपने सेल को मारता है. इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? यस, वेरी गुड दोस्तों. ठीक है, सो द बॉडी रिलीजेस टू मेनी साइटोकाइंस एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टॉर्म. दिस आर प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनोमॉड्यूलेशन एंड आर बीइंग रिलीज्ड इन द ब्लड टू क्विकली. इन नॉर्मल केसेस दे रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेस, बट इफ दे गो फॉर स्टॉर्म देन दे हार्म द बॉडी एंड पॉसिबली वी मे डाई. That is called cytokine storm. Is this comfortable? Very good, dosto. What is the problem where more cytokines are released? Cytokines dilate blood vessel. Usko expand karte hai. Theek hai? Increase the temperature and heartbeat. Besides, throwing blood clots into the system and suppressing oxygen utilization. Kyunki wo koshish karta hai blood vessels ke andar jyada se jyada cytokine pahunch jaye. If the cytokine flow is high and continues without cessation, body's own immune response system will lead to hypoxia, which is insufficient oxygen in the body. इसीलिए ventilator की जरूरत पड़ती है. Yes or no? Experts say that it is not the virus that kills, rather it is cytokine storm in our body which kills us. Is this comfortable to everyone? ठीक है, अमित ओलियान बोलते हैं सर केस फैटलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट इज सेम. नो, मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है कि आप क्या चीज के साथ कनेक्टेड हो. अगर आप ज्यादा मतलब बाहर जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, तो आपकी मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा है. ये सुनो, और को मॉर्बिडिटी का मतलब है आपके अंदर डिजीज है. ठीक है, चलो ग्रेट दोस्तों. ठीक है, ओके ठीक है. निखिल भारद्वाज बोल रहे हैं वॉइस बराबर नहीं आ रही है क्या? वॉइस बराबर नहीं आ रही है क्या, बताइए दोस्तों. ठीक है, उमेश यादव बोले साइटोकाइन स्टॉर्म. उमेश, क्या होता है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है ठीक है, उमेश, जब आपके ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो आपके शरीर में से एक इम्यून सिस्टम काम करती है. ये सुनो, व्हाइट ब्लड सेल आपने सुना होगा, तो वो अटैक करने जाते हैं. ठीक है, पर और वो व्हाइट ब्लड सेल्स आर बेसिकली साइटोकाइंस का एक तरीके का वर्जन. ठीक है, बराबर है, तो वो क्या करते हैं कि दे अटैक, ओके, ऑन द इन्फेक्शन. ठीक है, अब वो नंबर बढ़ गया. क्यों नंबर बढ़ गया दोस्तों? एट द एंड ऑफ द डे हमारा शरीर एक मशीन है, एक सेंसर पे काम करता है.
यस नो। फॉर एग्जाम्पल आप गए और आपने सेंसर के नीचे हाथ लगाया और हवा आने लगी, अच्छी बात है, बराबर है। अब मानो सेंसर इस तरीके से बना के रखा है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे बॉडी में साइटोकाइन का रिस्पॉन्स अगर बढ़ जाए, साइटोकाइन बढ़ जाए तो वो अटैक तो आरएनए पे करता है, ये सुनो। आरएनए किसके अंदर होता है, सेल के अंदर, तो वो सेल को अटैक करता है, पर वो पहले किसके ऊपर करता है, इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर, ये सुनो। पर जब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो वो अच्छे सेल के ऊपर भी जाता है और अच्छे सेल को पकड़ के मार डालता है। इज दिस कंफर्टेबल, ग्रेट। इज दिस वेरी क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। दिस टेस्ट चेक द ब्लड बाय लुकिंग फॉर एंटीबॉडीज। इट डिटेक्ट्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ठीक है। आदित्य प्रताप सिंह, आप क्यों पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, आप ऐसे टॉपिक के साथ कनेक्टेड सवाल तो पूछ रहे, बात बराबर है, पर यू अंडरस्टैंड दिस इज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, न्यूरोलॉजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ी आगे पीछे की बात करेंगे तो प्लीज़ नहीं चलेगा, है ना, ठीक है, ओके। इम्यूनोग्लोब्यूलिन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, दे इंडिकेट whether the person had a past infection of SARS-CoV-2. एंटीबॉडी टेस्ट क्या करता है कि आपके अंदर से जो रिएक्शन सिस्टम है वो एंटीबॉडी बन जाती है, ये सुनो। रिएक्शन जो आपकी बॉडी ने करा तो एंटीबॉडी बन गई जो आपके शरीर में रह गया, ये सुनो। नाउ इफ आई वॉन्ट टू चेक कि इस बंदे को पहले SARS-CoV-2 हुआ था कि नहीं, वी कैन डू दैट। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शंस एंड आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिजीज। सो एंटीबॉडीज बहुत सारी होती है पर अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आपको SARS-CoV-2 हुआ है तो उसकी एंटीबॉडी अलग होगी, ये सुनो। एंटीबॉडीज ग्रांट इम्यूनिटी अगेंस्ट गेटिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज अगेन। आपके शरीर में अगर एंटीबॉडी हो गया है तो आपको वापस वो एंटीबॉडी की वजह से वापस वो डिजीज होने की संभावना कम है। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू कमेंस टेस्टिंग दिस सेरोप्रिवेलेंस, द लेवल ऑफ पैथोजन इन द पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी यूजिंग दिस एंटीबॉडी टेस्ट। मतलब आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सबका एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो तो पता चल जाएगा कि भैया ये आपका SARS-CoV-2 हुआ था कि नहीं, ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों। RT-PCR टेस्ट विच इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म पक्का लिख दीजिए, मेरा मानना है कि ये काम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी टेस्ट टू डिटेक्ट COVID-19 इन्फेक्शन अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। इट इज सेंसिटिव टेस्ट दैट यूजेस स्वाब सैंपल ड्रॉन फ्रॉम नेसल और ओरल कैविटी, ठीक है, एकदम अंदर या मुंह खोल के एकदम अंदर स्वाब लगाया जाता है, ठीक है, वहां से ये कैविटी से ये निकाला जाता है, ठीक है। दे वॉन्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए बोलते हैं जिसको, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए, दैट इज आरएनए ढूंढ रहे। इट हैज गॉट बेटर सेंसिटिविटी रेट्स ऑफ करंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी, अलग अलग स्टेट्स ने उसको रेगुलेट कर दिया। सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज डिजीज। इट ऑल्सो हैज हाई स्पेसिफिसिटी, दैट मीन्स एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट डिजीज, तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, इट दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, और इट इज अ कम्युनिटी इम्यूनिटी, ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूट रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफन बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर ड्यू टू वायरस और वैक्सीनेशन। सो विच मीन्स हमें ये वायरस लग जाना चाहिए, हम उससे ठीक हो जाने चाहिए, विच इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, दैट्स द ओनली वे आज ऐसा माना जाता है, बराबर है, चलिए, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। सर इफ एंटीबॉडी आर डेवलप देन बाई वाई मेडिसिन कैन बी मेड बाई यूज ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज वॉट दे आर डूइंग, जिसकी वजह से इनको समय लगता है और ये वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है। सर कैन यू प्लीज गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक यू आर डिस्कसिंग। सुनिधि, यहाँ से सीधे
टॉपिक सीधे वर्ड के मीनिंग आएंगे, सीधे मीनिंग, इसलिए मैं सीधे मीनिंग बता रहा हूँ। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरापी, ठीक है, ये भी एक थेरापी है जिसके द्वारा बचने की संभावना है। रिसर्चर्स आर एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दैट इज यूज दिस न्यूट्रलाइजिंग बॉडी, जो से रवि बता रहे थे अभी, है ना, ठीक है, उनके जैसा, ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप्ड, नहीं सॉरी अजय मौर्य बता रहे थे कि ये प्लाज्मा है जो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में डेवलप हुई, ठीक है, और जो रिकवर कर गए उनके ब्लड में जो एंटीबॉडी हुई उसे एंटीबॉडी से प्लाज्मा निकालकर ट्रांसफर करना, यस और नो, ठीक है, चलिए, वेरी गुड दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल, ग्रेट। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शेतकरी संगठन, ठीक है, महाराष्ट्र बेस्ड फार्मर्स यूनियन बॉडी हैज अनाउंस्ड एजिटेशन फॉर यूज ऑफ अनअप्रूव्ड जीनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स फॉर कॉटन, मेज, राइस, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड ब्रिंजल। दोस्तों भारत में एकमात्र अप्रूव्ड जीनेटिकली मॉडिफाइड सीड इज बीटी ब्रिंजल, ओके, बात लोग यूज करते हैं, यस और नो, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। शेतकरी संगठन इज अ बिग सपोर्टर ऑफ जीएम सीड, ठीक है, ओके, हैज अनाउंस एजिटेशन फॉर यूज ऑफ अनअप्रूव्ड जीनेटिकली मॉडिफाइड, ये बोलते हैं कि हमको तो चाहिए पर देयर एम इज टू प्रोवाइड फार्मर फ्री ऑफ एक्सेस टू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, ये उनको गणित है, ठीक है। लास्ट ईयर इट्स मेंबर हैड ब्रोकन द लॉ बाय इम्प्लांटिंग हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, ठीक है, उन लोगों ने बीटी कॉटन जीनेटिकली मॉडिफाइड काम करना चालू कर दिया था। इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन, ठीक है, ओके सर, प्लाज्मा थेरापी में रिकवर्ड पर्सन के प्लाज्मा को कोरोना पेशेंट के प्लाज्मा में ट्रांसफर किया जाता है, हाँ, ओके, चलो, ग्रेट दोस्तों, ठीक है। दोस्तों व्हाट इज दिस जीनेटिकली मॉडिफाइड सीड, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग स्पीशीज ऑफ सेम जीनस टू प्रोवाइड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाफूस, यस नो, हाफूस जिसको अल्फांसो बोलते हैं, यस नो, अल्फांसो मैंगो इज अ हाइब्रिड, ठीक है, वो अल्फांसो करके एक भाई साहब थे, पोर्चुगल के थे, वो इंडिया में आए और वो उन्होंने दो अलग अलग तरीके के मैंगो को मिक्स करके एक नई मैंगो बनाई जो काट सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया का हाफूस था उसको काट कर, है ना, खा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता था, उसको ऐसे वो दबा दबा कर चूस के पिया जाता था, ठीक है। अब वो थोड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग थे, तो उनको काट के मैंगो खानी थी, तो ही एक्चुअली मिक्स्ड टू वेराइटीज, ठीक है, सो उन्होंने बनाया अल्फांसो, ओके, अल्फांसो करके भाई साहब थे, ठीक है जी, वो गोवा में गए थे, ठीक है, पोर्चुगीज थे और उनकी वजह से ये अल्फांसो नाम आया मैंगो का, ठीक है, पोर्चुगीज भाई साहब थे। सो जीनस इज अ क्लास ऑफ आइटम्स सच एज ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विद अ सिमिलर ट्रेट, वाइल जीनेटिक मॉडिफिकेशन एम्स टू ट्रांसेंड द जीनस, ठीक है। तो दोस्तों आप दो मैंगो की जगह पर मैंगो और किसी और प्लांट में से उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन इन द सीड्स टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन इज ओनली जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया, ठीक है, सॉरी नॉट बीटी ब्रिंजल, सॉरी मैंने गलत बोला था, बीटी कॉटन, क्या नाम था, बीटी कॉटन, इट इज एलियन जीन्स फ्रॉम अ बैक्टीरियम called Bacillus thuringiensis that allows crop to develop protein toxic to a pest called pink bollworm, ठीक है, तो this is BT cotton, ये बनाते हैं, है ना, so BT brinjal a gene that allows plant to resist attacks of root and shoot borers, DMH11 mustard, ये भी एक genetically modified seed है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ BT cotton allowed है, this is comfortable to every, चलिए, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज द लीगल प्रोविजन इन इंडिया, दोस्तों लीगल प्रोविजन इन इंडिया फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर, देयर इज अ बॉडी विच इज कॉल्ड जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी विच इज एन एपेक्स बॉडी विच अप्रूव्स दिस जीएम क्रॉप। इन 2002 GEAC हैड अलाउड कॉमर्शियल रिलीज ऑफ दिस बीटी कॉटन। सो आज की तारीख में भारत में 95% ऑफ कॉटन इज कमिंग फ्रॉम बीटी कॉटन, ठीक है। यूज ऑफ अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट कैन अट्रैक्ट अ जेल ऑफ 5 years एंड फाइन ऑफ 1 lakh rupees अंडर एनवायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। गिर के लायंस हैव इंक्रीज्ड इन अ बिग नंबर, एशियाटिक लायंस पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह पे है, दैट इज गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों 674 लायंस वर रिकॉर्डेड कंपेयर टू 523 लायंस ऑफ 2015, ओके, सो दैट इज ह्यूज। दिस काउंट वॉज एस्टिमेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज कॉल्ड पूनम अवलोकन इन द प्लेस ऑफ 15th लायन सेंसस, ठीक है। लायन सेंसस तो हो नहीं पाया, ठीक है, तो उन्होंने किया पूनम अवलोकन, ठीक है, ओके, ठीक है। सो सर व्हाट इज बीटी, इज इट नेम और अदर मीनिंग? बीटी का नाम आता है, अभी तो हम देखा हमने, ठीक है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, बेसिलस थुरिंजेनिस, ठीक है, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। गार्गी सही बता रहे हैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास लायन और टाइगर दोनों हैं, ठीक है। 15th लायन सेंसस वॉज ड्यू टू बी कंडक्टेड ऑन 5th and 6th of June, बट इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना ब्रेक, ठीक है। पुनः अवलोकन इज अ मंथली इन हाउस एक्सरसाइज, ठीक है, कैरिड आउट एवरी फुल मून। इट वॉज अ मैकेनिज्म डेवलप बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 2014 फॉर दिस लायन सेंसस, ठीक है। दोस्तों व्हाट इज दिस 2020 का काउंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। दोस्तों 2015 में 523 थे, इट इज अप फ्रॉम 411 से 523, अब ये नंबर बढ़ने लगा। जरूरी क्यों है भैया ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा अमरेली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये गिर नेशनल पार्क का है, वहाँ पे एक ऐसे 2015 के सेंसस के पहले एक फ्लड आया था जिसमें 12 लायन की मौत हो गई थी। उसके बाद 2008 में, ठीक है, केनाइन डिस्टेंपर वायरस लगा था जिसमें काफ़ी लायंस की मौत हो गई थी, ठीक है, एंड एक ऐसे दिस बेबोशिया आउटब्रेक हुआ था गिर में 2020 में, जहाँ पे 2 दर्जन लायन की मौत हो गई थी। चलिए वेरी गुड दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन, ठीक है, याद रखिएगा ये CVD केनाइन डिस्टेंपर वायरस एंड बेबोसियोसिस आउटब्रेक, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिर नेशनल पार्क के बारे में फटाफट बता देते हैं दोस्तों, इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। वहाँ पे गिर इज लिंक्ड विद मालदारी पीपल, मालदारी आर द पीपल हु आर बेसिकली पेस्टोरल पीपल, वो मतलब पेस्टोरल कम्युनिटी है, वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। एशियाटिक लायन IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में नाम आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं। ये नाम का मतलब है इनका कोई भी तरीके का यूज करना, उनको पोचिंग करना, उनके ऊपर अटैक करना विल बी अ क्राइम, ठीक है, उनका शो करना इज ऑल्सो क्राइम, ठीक है। वी हैव अ एशियाटिक लायन प्रोग्राम फ्रॉम अवर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज हैपनिंग। चलिए, सो लायन सेंसस पहली बार हुआ था नवाब ऑफ जूनागढ़ 1936 में किए थे, ठीक है। सिंस 1965 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग, ठीक है, वंस एवरी 5 ईयर इट इज हैपनिंग। लास्ट 2015 में हुआ था, अभी 2020 में होने वाला है, यस नो, अभी देखते हैं कि कब होगा, दैट इज हाउ दिस सिनेरियो इज। अगला महत्वपूर्ण रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। 2019 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बहुत क्रूशियल है दोस्तों, ठीक है। US स्टेट डिपार्टमेंट हैज रिलीज्ड दिस 2019 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है, विच इज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द कंट्री। द फॉर इंडिया इज हाईलाइटिंग इंडिया में कैसा सिनारियो है, ठीक है। अर्लियर US कमीशन, ठीक है, ऑफ कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम विच इज अ ट्रेड बॉडी, ये कैसा बॉडी है दोस्तों, एक ट्रेड बॉडी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट ट्रेड बॉडी है, उन्होंने बोला था दैट इंडिया का रिलीजियस फ्रीडम इज वेरी डाउनग्रेडेड, इट इज अ लोएस्ट ग्रेड कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करके हमको रख दिया था। इज दिस कंफर्टेबल, वेरी गुड दोस्तों। सो दोस्तों भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, उसको तो फंडामेंटल राइट है,
Article number 25, Article number 26, Article number 27, Article number 28. उसके बावजूद, yes, उसके बावजूद, indeed, ठीक है. तो भारत में जैसे right to equality है, ये सुनो, कैसे equality? हम बात करते हैं social equality, हम बात करते हैं economic equality, ये सुनो, हम बात करते हैं political equality. ये COVID-19 ने बता दिया, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं भारत में. माइग्रेंट लेबरर के नाम पे जिस तरीके की बर्बादी करी, सरकारों ने करी, प्राइवेट लोगों ने करी, सब ने करी, ये सुनो, तो वो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ गई? ये सुनो, सेम इज कैसी फंडामेंटल राइट. आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम टू अटेंडेंस. सिमिलरली माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिकल नंबर 29 और 30 बना के रखे, पर फिर भी इन रियालिटी वी हैव अ प्रॉब्लम. IRF रिपोर्ट लिस्टेड कंट्रीज फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल निकारकागुआ, नाइजीरिया, चाइना, देवर साइटेड एज ए नेगेटिव एग्जाम्पल. ठीक है, इट स्टेटेड दैट चाइना हैज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिप्रेशन अगेंस्ट ऑल रिलीजियंस. दिस इज रियली अ प्रॉब्लम. उसमें सबसे बड़ा कौन सा? ठीक है, उसमें उइगर कम्युनिटी, यस और नो? ठीक है, उइगर कम्युनिटी के खिलाफ, उन मुस्लिमों के खिलाफ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम है. इंडिया इज नॉट साइटेड इन ईदर ऑफ द लिस्ट. इंडिया इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं है, ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. सो कंट्री रिपोर्ट फॉर इंडिया बोलता है दैट 2009 से जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, सबसे पहला जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज करना, CAA को चेंज करना, NRC लगाना, ठीक है, मॉब लिंचिंग करना, एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आना, काउ विजिलेंटिज्म करना. ठीक है, ये सब इश्यूज को इन्होंने ध्यान में रखते हुए बताया कि इंडिया में तो बड़ा कंसर्न है. ठीक है, टेकिंग नोट ऑफ दिस एलिजेड अटैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज इन अवर कंट्री, दे सेड दैट देर इज अ नीड टू एंश्योर फुल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज इन द कंट्री एज गारंटेड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट विच इज वेरी ऑब्वियस, यस और नो? ठीक है, चलो, वेरी गुड दोस्तों. ठीक है, ओके, ठीक है, दैट इज वेरी गुड. Has rejected the report by asserting that there is no locus standi for the foreign government to comment on states' constitutionality protected rights. So, बाहर का कोई देश आके हमारे बारे में कैसे बोल सकता है कि क्या होगा, उनका locus standi क्या है? कुछ भी तो नहीं है, ये सुनो. चलिए, वेरी गुड दोस्तों. ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, US गवर्नमेंट has signed an executive order which included to move formally prioritize religious freedom in US foreign policy. The order directed US Agency for International Development to allocate $50 million in its budget towards program that sought to promote religious freedom. US mein khud George Floyd ka problem ho gaya na, racial discrimination, yes or no? Wahin pe khud problem ho raha hai aur wo India ke bare mein report nikal rahe hain, kya mazak hai? चलिए, ग्रेट. नेक्स्ट इज कॉल्ड बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स. ठीक है, नीति आयोग के एक मेंबर ने बोला दैट वी आर रेडी टू गो फॉर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स विच विल ब्रिंग दिस लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल कंट्रीज. ओके, सो ये एट द बैकड्रॉप ऑफ USA चाइना ट्रेड वॉर में बड़ी परेशानी. सो BAT इज अ ड्यूटी इज प्रपोज टू बी इम्पोज ऑन इम्पोर्ट गुड्स इन एडिशन टू कस्टम लिवाई टू गेट चार्ज एट द पोर्ट ऑफ एंट्री. ठीक है, BAT एक फिस्कल मेजर है जिसकी वजह से ये टैक्स लगा रहा है अलग से. ठीक है, तो क्या होगा, फॉरेन से कोई सामान आया उसके ऊपर कस्टम तो लगा ही लगा, तो कस्टम लग गया प्लस BAT लगेगा, तो ओवरऑल उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, यस और नो? इट विल बिकम कॉस्टली, यस और नो? चलिए, ग्रेट दोस्तों. अंडर दिस प्रिंसिपल गवर्नमेंट टैक्सेस प्रोडक्ट based on the location of their sale to the final consumer. This is to adjust
टैक्स एट बॉर्डर, ठीक है, बराबर है। WTO बोलता है कि भैया ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, इक्वालिटी मेंटेन करो, ठीक है, आप अपने यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा टैक्स मत रखो, ठीक है। सो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का मतलब है फॉरेन कंट्री, कंट्री ए से जब सामान आया तो कंट्री बी ने कस्टम ड्यूटी तो लगाई प्लस साथ में BAT लगाया ताकि वहाँ की प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सस्ती ना दिखे, महंगी दिखे या एट पार दिखे, दैट इज कॉल्ड BAT, ओके, ठीक है। सो BAT इज अबाउट इक्वल कंडीशन ऑफ कंपटीशन, फॉरेन का कोई प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस में अंतर होना नहीं चाहिए, चाइनीज फोन और इंडियन फोन दोनों की प्राइसेस सेम होनी चाहिए, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, ये हमारा अगला महत्वपूर्ण मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड टू सर्टेन कम्युनिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। किसने रिट पिटीशन दाखिल करी थी? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम तमिलनाडु हैड फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर टू इम्प्लीमेंट 50% OBC रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया नीट एग्जाम, ठीक है, ठीक है, ऑल इंडिया नीट सीट्स सरेंडर बाय द स्टेट, सॉरी, जो भी नीट ने स्टेट ने नीट की सीटें सरेंडर करी होगी सेंटर को कि वो अलोकेट करेंगे, उसमें 50% रिजर्वेशन फॉर OBC। दे हैव एक्यूज्ड सेंटर ऑफ वायलेटिंग राइट ऑफ पीपल टू अ फेयर एजुकेशन बाय नीदर इंप्लीमेंटिंग 50% कोटा फॉर OBC इन तमिलनाडु नॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इन अदर स्टेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा। तो सरकार ये कर नहीं रही है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड दैट अ रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फाइल्ड ओनली इन द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाइल योर रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यस और नो? पहले आगे एक और महत्वपूर्ण केस में इस कोर्ट बोल चुकी थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ राइट, ठीक है। सो दोस्तों अब आप ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल नंबर 12-35 टॉक्स अबाउट दिस, ठीक है। दोस्तों भारत में रिजर्वेशन आता कहाँ से? इट इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 दैट एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशन एज वेल एज इन जॉब फॉर socially and educationally backward sections of society as well as for economically weaker section, yes or no dosto? So iski wajah se ye reservation aaya. SC ST ke liye kitna reservation? SC ke liye 15%, ST ke liye 7.5%, okay, ye samajhna. OBC ke liye kitna percentage dosto? 27%. OBC other backward classes, the OBC limit is 27%. However, various state governments have a different quota limits for OBC. Like Tamil Nadu has a 50% reservation for OBC. ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड दोस्तों। इन अ वेरी फेमस केस, ये बड़ा फेमस केस है दोस्तों, इंदिरा स्वाने इन 1992 सुप्रीम कोर्ट फिक्स्ड एन अपर लिमिट फॉर द रिजर्वेशन विच इज 50% ऑफ द सीट्स। आपको SC ST OBC जिसको जो रिजर्वेशन देना है दीजिए, ठीक है, बट टोटल रिजर्वेशन कैन नॉट क्रॉस, यू कैन से 50%। एक और रिजर्वेशन है भारत में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, यस नो, विच इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, विच इज 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। सर द क्रिश्चियन ऑल्सो ब्रॉट इन दिस केस बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्क्वॉश नीट एंड देयर ओन प्राइवेटाइज एग्जाम, उसका तो हम बात कर चुके थे, है ना। तो नीट कंपल्सरी है, उनके पास वो अधिकार नहीं है, वो तो हमने बात कर ली थी, एक केस कुछ मुझे याद है जब उसका डिसीजन आया था तब हमने बात किया था, ठीक है, ओके ओके। दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? आर्टिकल नंबर 32 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास एंड आर्टिकल नंबर 226 के मुताबिक हाई कोर्ट के पास, ये से हम जा सकते हैं रिट के लिए। कौन सी 5 रिट्स? हबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरश्योरारी, को वारंटो, ये 5 है, ये सुनो,
कब मांग सकते हैं? वेन योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ही वायलेट नहीं हुए तो किस बात का रीट? ये सुनो, तो इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने क्लियर बोल दिया, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है दोस्तों, देर आर डिफरेंट रीट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स पावर. सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रीट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेर इन हाई कोर्ट कैन इश्यू रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स. ये सर नो, तमिलनाडु को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके की सीटें रिजर्वेशन में अपने पास रख ली थी. ये सर नो, चलिए वेरी गुड दोस्तों. सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रीट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेर एज हाई कोर्ट कैन इश्यू फॉर देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ओनली. ओके दोस्तों, रेमेडी अंडर 32 इज इन सेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, वाइल इन आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रीट ज्यूरिस्डिक्शन. ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तभी माना जाता है क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रूव, उसके राइट की रेमेडी एक ही है कि वो राइट आपको रिस्टोर करके दे दे. दैट इज हाउ द आइडिया इज. चलिए ग्रेट दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना. सर इफ वी हैव प्रोविजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिजर्वेशन देन हाउ एस सी सेड इट इज नॉट. ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट. बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका. ठीक है, अभी क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 के अंदर बोला है दैट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशन एंड जॉब्स रिस्पेक्टिवली फॉर दिस पीपल. ओके ठीक है, बट दे आर डायरेक्टिव टू द स्टेट्स, दे आर नॉट फुल फंडामेंटल राइट एंड देयर बाय दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट. आर्टिकल नंबर 15, 16 ये डायरेक्टिव है. आर्टिकल 14 फंडामेंटल का पार्ट है, 15, 16 डायरेक्टिव है. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? वेरी गुड दोस्तों. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल, सबको ये बातें समझ में आई होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ दिस. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.